तक आप लोगों को बोला गया है कि तमीज से बैठे, मगर अब मैं बोलूंगी सब खड़े हो जाएं, क्योंकि अब हम नाचेंगे। चलो आप लोग इसके साथ करे तो मैं भी करे। हमारी हुकूमत ने, पाकिस्तान की पार्टी की हुकूमत ने ये फैसला किया कि सरकारी मुलाजमतों में भी आपका कोटा मुकर्रर किया जाएगा। आपके बल्दियाती निजाम में कोटा मुकर्रर किया गया कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है अब पॉलिसी का हिस्सा बनेगी, काउंसिल में बैठेगी, जिसकी सुकून आज आपके सामने शहजादी मौजूद है। इसी तरीके से सिर्फ पॉलिसी बनने से मसाइल हल नहीं होते, आपको सरकार में मुलाजमतें चाहिए होती। देखिए मुझे पता है अभी तक आप लोगों को बोला गया है कि तमीज से बैठे, मगर अब मैं बोलूंगी सब खड़े हो जाएं, क्योंकि अब हम नाचेंगे। आज मौसम अच्छा है और काम भी अच्छा हो रहा है। मेरी मौजूदगी यहाँ पर इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसे मुआशरे को तख्लीक करने में बिलीव करती है जो तमाम कम्युनिटीज को यकसर मौके फराहम करे तालीम के, तरक्की के, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हम समझते हैं कि मुआशरे में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और इंशाल्लाह आप लोगों की मदद के साथ ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे, ऐसे काम करेंगे कि प्रैक्टिकली नजर आएगा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे मुआशरे में नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले के नजदीक हम सब बराबर हैं। आपके बल्दियाती निजाम में कोटा मुकर्रर किया गया कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है अब पॉलिसी का हिस्सा बनेगी, काउंसिल में बैठेगी, जिसकी सुकून आज आपके सामने शहजादी मौजूद है। इसी तरीके से चलो आप लोग इसके साथ करे तो मैं भी करे। इसी तरीके से
सिर्फ पॉलिसी बनने से मसाइल हल नहीं होते, आपको सरकार में मुलाजमतें चाहिए होती हैं, ताकि वो जो पॉलिसी बना दी गई है उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया जा सके, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सके। हमारी हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत ने, जरदारी साहब की, बिलावल साहब की हुकूमत ने ये फैसला किया कि सरकारी मुलाजमतों में भी आपका कोटा मुकर्रर किया जाएगा, ताकि पॉलिसी के साथ उसको एग्जीक्यूट करने में भी ऐसे लोग मौजूद हो जो कि आपके हुकूक को समझ सके, आपके हुकूक की निशानदेही कर सके और आपके मसाइल हल कर सके। मैं चाहता हूं कि हम सब आज की इस मार्च का मकसद ये होना चाहिए कि हम उस मुआशरे को एस्टैब्लिश करने में अपना अपना किरदार अदा कर सकें कि हर कम्युनिटी को इक्वल मौके फराहम हो, हर शख्स को इक्वल मौका मिले कि वो अपनी काबिलियत के ऊपर, अपने मेरिट के ऊपर आगे बढ़ सके। और इंशाल्लाह आप लोगों की मदद से, मुख्तलिफ लोगों की मदद से उस मुआशरे को कामयाब करने में, उस मुआशरे को एस्टैब्लिश करने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे। तो क्या आप इस काम में हमारे साथ हैं? साथ हैं? थोड़ी आवाज ज्यादा है ताकि लोगों को पता चले। तो बस मैं समझता हूँ ये जवाब है इस बात का कि इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि एक ऐसा मुआशरा हो जिसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और तमाम लोगों को अक्सर मौके मिले ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके।